नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरियार, आवाज डेली हर्षित टीवी से। वक्त हो चला है आज के बुलेटिन का। खबर सबसे पहले कोडरमा से। कोडरमा जिला का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तिलैया डैम है, जहां हर साल नए साल के मौके पर आसपास के क्षेत्रों, जिलों, राज्यों से सैलानी पहुंचते रहे हैं। यह स्थल सबसे आकर्षण प्रकृति की अनुपम सुंदरता के बीच है। जिला प्रशासन इस बार मन चलो असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई है, ताकि सैलानियों को कोई समस्या ना हो। लेकिन प्रशासन की इन तैयारियों के बीच एक बड़ी समस्या सैलानियों को झेलनी पड़ रही है, और वो है शौचालय में ताला लगा दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। कोडरमा जिला प्रशासन इस बार मन चलो असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से तिलैया ओपी को पर्यटन पुलिस केंद्र में भी विकसित की है। असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर बनाए हुए है, जिससे कि सैलानियों को कोई भी समस्या ना हो। लेकिन प्रशासन के इन तैयारियों के बीच एक बड़ी समस्या सैलानियों को झेलनी पड़ रही है, वह है शौचालय। लेकिन इन सब के बीच घूमने आने वाले सैलानियों को एक समस्या से सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शौचालय में ताला जड़कर रख दिया गया है, जिससे सैलानियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय का भवन तो बना है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगाकर छोड़ दिया गया है। सबसे अधिक इसकी परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ रही है, इसे लेकर सैलानी नाराज हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन कोशिश कर रहे हैं। और टाटा से यहाँ पर्यटन के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था तो है, लेकिन ताला बंद है। इसलिए इसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करने का प्रयत्न किया जाए। क्या कुछ परेशानी हो रही है महिलाओं के लिए? परेशानी है कि वो लोग बाथरूम कहाँ जाएगी खुले में, और ये तो सरकार की पॉलिसी कि नहीं सब जगह शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ है तो ताला बंद है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। रांची के अड़गोड़ा थाना इलाके में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद कार में सवार चार लोग तुरंत कार से उतर गए, जिसके बाद कार धू धू कर जल गई। रांची में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिस दौरान वाहन में सवार चार लोग बाल बाल बच गए। रांची में नए साल में बड़ा हादसा टल गया। रांची के अड़गोड़ा थाना इलाके के भाजपा कार्यालय के सामने एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद कार में सवार चार लोग तुरंत कार से उतर गए, जिसके बाद कार धू धू कर जल गया। पतरातू भुरकुंडा बंगड़ा पेट्रोल पंप के समीप एक बुलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। बुलेरो रामगढ़ से भुरकुंडा की ओर जा रही थी, उस पर सवार सभी व्यक्ति घायल हो गए। उन सभी को प्राथमिक इलाज के लिए रामगढ़ भेजा गया है। पतरातू भुरकुंडा बनगड़ा पेट्रोल पंप के समीप एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गया। बोलेरो नंबर JH01CA9463 रामगढ़ से भुरकुंडा की ओर जा रही थी। उसी समय बनगड़ा पेट्रोल पंप के समीप एक बाइक सवार पेट्रोल लेने के लिए अंदर जा रहा था, उसी को बचाने के लिए बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। उस पर सवार सभी व्यक्ति घायल हो गए। उन सभी को स्थानीय निवासियों के सहयोग से बोलेरो का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के लिए रामगढ़ भेजा गया। भदानी नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और सभी घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया। मधुपुर व आसपास के क्षेत्रों में नववर्ष 2021 का स्वागत धूमधाम से मनाया गया। वहीं लोगों ने 2020 कोरोना काल के कड़वे यादों को भुलाकर एक नए दिन के साथ नए साल की शुरुआत उमंगों और मस्ती के साथ किया। इस दौरान लोगों ने खूब मस्ती भी की। आइए देखते हैं पूरी खबर। देवघर मधुपुर व आसपास के क्षेत्रों में नववर्ष 2021 का स्वागत धूमधाम से मनाया गया। वहीं लोगों ने 2020 कोरोना काल के कड़वे यादों को भूलकर एक नए दिन के साथ साल की शुरुआत उमंगों और मस्ती के साथ की। इस अवसर पर पूरी बगीचा, बुकालिया झरना, बूढ़े पर्वत, पार्क, नदी आदि स्थानों पर लोगों ने पिकनिक का आनंद उठाया। कहीं लोगों ने परिवार के साथ मिलकर पिकनिक मनाया तो कहीं नौजवानों की टोलियां नाचने गाने का खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान डीजे की धुन पर भी लोग खूब थिरके। नववर्ष की सुबह जहां मांस मछली मुर्गे की दुकान व सब्जी दुकानों में भीड़ देखी गई, वहीं 10 बजे के बाद सभी लोग पिकनिक स्थलों में पहुंच गए और बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं लोगों ने पिकनिक स्थल पर तरह तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाया। शाम 4 बजे के बाद डीजे की धुन पर नाचते झूमते नौजवानों की टीम वापस आने लगी। इस दौरान हल्की फुल्की तूतू मैमे को छोड़ कहीं से कोई अप्रिय या अनहोनी घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस जवान पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार गश्त करते नजर आए। मधुपुर के कोट मोड़ पर विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता गण द्वारा भीमा कोरेगांव स्वार्य दिवस मनाया गया।
जिसमें बाबा साहेब की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर बाबा साहेब अमर रहे का नारा लगाया और शौर्य दिवस का जय जयकार किया। देवघर के मधुपुर कोर्ट मोड़ पर विभिन्न पार्टी के कार्यकर्तागण द्वारा भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें बाबा साहेब की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर बाबा साहेब अमर रहे का नारा लगाया और शौर्य दिवस का जय जयकार किया। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा मधुपुर कांग्रेस नगर अध्यक्ष श्याम आदि उपस्थित हुए। अगली खबर हजारीबाग से। हजारीबाग में दुकान खाली करने को लेकर महिला से मारपीट की गई। पीड़ित महिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार और कहा कि दलालों के द्वारा जो मुझे तंग किया जाता है प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। हजारीबाग शहर की इंदपुरी स्थित नूरा रोड निवासी गीता कुमारी का घर और दुकान पर कब्जा करने से मना करने पर अज्ञात पुरुषों के द्वारा दुकान खाली करने को लेकर मारपीट करने लगा, जिससे महिला को अंदरूनी चोट आ गई और महिला के दुकान के गले से 65,000 रुपए निकाल दिया गया और घर को जल्द खाली करने को लेकर बोलते हुए आरोपी भाग खड़े हुए और पीड़ित महिला ने यह बताया कि कोर्ट में केस लंबित है, जो डिसीजन देंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। प्रशासन से मेरी यह गुहार है कि मुझे तंग नहीं किया जाए, कोर्ट का फैसला हमें मान्य होगा और मैं प्रशासन से न्याय की गुहार लगाना चाहती हूँ और दलालों के द्वारा जो मुझे तंग किया जाता है प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। शादी आपकी नहीं हुई है? नहीं, अनमैरिड। अनमैरिड है। घर कहाँ हुआ? इंद्रपुरी नूरा रोड। इंद्रपुरी नूरा रोड। क्या कुछ काम करती हैं आप? मेरा भाई कुर्सी टेबल चौकी भी बना के बेचते हैं। कहाँ पे? इंद्रपुरी चौक पे। अच्छा, और किस चीज़ को लेकर विवाद आपके साथ हुआ 31 तारीख को? जबरन आया कह रहे हैं कि मेरा ही वो जगह है, खाली करो। इसके लिए इतना 50-60 से ऊपर आदमी आ करके मारपीट हमको करने पर। कौन कौन थे उसमें से? था ये मोहम्मद अली हसन उर्फ नेपाली, उसका साड़ू, उसका 2-3 दोस्त थे, उनकी बीवी बहन और उसका साली उलू सब आ करके हमको मारपीट करने चाहे घर में घुस कर। हाँ, मेरा घर में घुस करके मारी, तोड़ फोड़ दी। 65,000 रुपये मेरा पैसा भी था प्लाईवुड का, वो पैसा भी ले करके फरार हो गई और मारपीट कर धमकी भी दी कि खाली करो नहीं तो वो जान मार के यहाँ से फेंकवा देंगे कभी भी। ये धमकी दे के चली गई और फिर उसके बाद आए जब लोसीना थाना से मैडम आई लेके वहाँ, तो कुल 7 आदमी वहाँ पर शामिल हुए, सबको भगा दिया और हम भी वहाँ गए। हम गए, मेरी बड़ी भाभी गई, बहन छोटी गई, वहाँ से फिर हम लोग को समझा के हटा दिया गया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरा सामान कम से कम टोटल नुकसान भी किया होगा तो 1.5-2 लाख रुपये से नुकसान कर दिया। थाना में लिख के आवेदन दिए हैं आप? थाना में दिए, बोले अभी चले जाओ हम लोग 1 जनवरी मनाने दो। अभी के बोला वहीं का जो है अफसर मैडम लोग भी बोली ज़्यादा करोगी तो अंदर कर देंगे, कुछ अच्छा। हम लोग को सुनवाई नहीं किया गया और वो जो नेपाली थाना में ये बात बोला गया। हाँ, आपको नेपाली से बोला गया मतलब थाना में क्या बोला गया आपको कि अभी 31 दिसंबर पकड़े लेडीज लेके छोड़ दे रहे तुम लोग को, ज़्यादा करेगी तो वही हो कि अंदर कर देंगे, 1 जनवरी सबका खराब हो जाएगा और हम लोग भी मनाने दो, तुम लोग भी मनाओ ठीक है। उसके बाद और उसके बाद बोला बड़ा बाबू तो ऐसे भी दिखा हुआ मेरे से, तो बड़ा बाबू कहाँ से आ गए? तो मैडम यहाँ पर आई, तो नेपाली लोग का कहना है कि हम पूरा अफसर को खरीद लिए, कुछ भी कर लो, आज वो तुमको या तो जान मारेंगे न तो वहाँ से खाली करवा देंगे तुमको। और मेरा इंतजार है सिर्फ कोर्ट का आज्ञा का, कोर्ट जिस दिन आदेश देगा उसी दिन हम ये खाली कर सकते हैं। इससे पहले कोई भी हमको आएगा जान मारने के लिए ये कुछ भी करने आएगा इसमें प्रशासन ध्यान दे, नहीं तो हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, कोर्ट में केस लंबित है ना? हाँ, लंबित है, फिर भी उसके बावजूद भी जबरन माने बराबर इसका धंधा है ये कौन है? ये दलाल है क्या? ये दलाल है, जमीन का ब्लॉकरी आदमी है और लेडीज लोग को भिड़ा देता है और जेंट्स लोग से पिटवा करके जेंट्स को पीछे कर देता है और फिर लेडीज को सामने लाता है। इसमें कितना दिनों से आपको परेशान कर रहा है? कम से कम ये 5-6 साल से कर रहा है, बेसी कर रहा है, हमेशा लिखित दिए, इसका नाम से वारंट निकला हुआ था, वारंट फेल हो गया, पुलिस कुछ नहीं किया, रास्ता में भी मारा गया है, कपड़ा फाड़ दिया गया, कितना बार इज्जत पर आँच आया मेरा पर, छोटा छोटा बच्चा लोग पर भी मारा गया है मगर कोई ध्यान नहीं देता है प्रशासन, कभी ध्यान नहीं दिया गया है, हमको समझ नहीं आता वो कितना करोड़पति है जो प्रशासन को खरीद लिया गया है। पतरातु काली घाटी के समीप भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई है और मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पतरातु काली घाट के समीप मोटरसाइकिल और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आपको बता दें कि घटना शाम 7:30 बजे की है। मोटरसाइकिल सवार पतरातु की तरफ जा रहे थे कि अचानक पीछे से एक टेम्पो वाहन ने अपना नियंत्रण खोकर उन्हें धक्का मार दिया।
इस भीषण दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को पतरातू प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र उपचार हेतु ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल व्यक्ति कुश सिंह पतरातू बाजार निवासी हैं। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें आवाज डेली हर्षित टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।